assalamu alaikum students today we are discussing the random sample and the expected values in multivariate analysis here we are using let x1 x2 up to so on xn be a random sample from joint distribution which has mean vector mu and variance covariance matrix sigma as we know before we are discussing we have discussed दी मीन वैक्टर म्यू एंड देरियंस को वेरियंस मैट्रिक सिग्मा द सैम्पल मीन वैक्टर एक्स बार बिकॉज दिस इज दैम्पल मीन वैल्यूज इज एन अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ म्यू आपने पहले भी इसको देखा होगा कैसे हमने पहले किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इंडियोनी वेरियंट केस विच इज इक्वल्स टू म्यू सिमिलरली मल्टी वेरियंट में भी हमारे पास इसी तरह ही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वैक्टर विच इज इक्वल्स टू म्यू And variance of x bar, which is equals to variance covariance matrix divided by small n. That is expected value. We have proof this. Expected value of sample mean, which is equal to the population mean. And the variance of the sample mean, which is equal to sigma over n. Also, if S of n, sample variance, which is equal to 1 over n, sum i varies 1 to n. एक्स आई एक्स आई प्राइम प्राइम मीन्स ट्रांसपोज माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार ट्रांसपोज सैम्पल वेरियंस हमारे पास इसके इक्वल है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल वेरियंस विच इज इक्वल्स टू एन माइनस वन ओवर है इन टू सेगमा ये हमारे पास थियोरम में बेसिकली हमने इसको प्रूफ करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू के एक्वल है एंड द वेरियंस ऑफ एक्स बार विच इज इक्वल्स टू सेगमा ओवर एन के इक्वल है नाओ प्रूफ वी नो दैट वी नो एक्स बार विच इज इक्वल्स टू वन ओवर एन दिस इज दी वैक्टर फॉर्म सो हमने इसको कैसे देखा एक्स वैक्टर वन इंटू एक्स वैक्टर टू अप टू सोन एक्स एन वैक्टर अब जब हमने मीन लेना है तो मीन के लिए हम क्या करते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन के अप्लाई करते हैं नाउ अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू अपू सो ऑन एक्स एन विच इज इक्वल्स टू वन ओवर एन ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज में आपके पास जो अंदर हमारे पास है विद इन ब्रैकेट उसको अब हम कैसे लिख सकते हैं सम आई वेरिज वन टू एन एक्स आई एक्टर यानी इसको हमने लिया तो ये सम की फॉर्म में आ गई और कहाँ से जा रहा है आई वेरीज वन टू स्मॉल एन वन ओवर एन एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी रेंडम वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन रेंडम वेरिएबल पे अप्लाई होगी नाउ वी नो दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई विच इज इक्वल्स टू म्यू म्यू के इक्वल हमारे पास आ गया और म्यू आपके पास पता है म्यू वेक्टर क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे जब हम सम अप्लाई करेंगे तो वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है नाउ दिस इज द एन टाइम्स ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय एन नाउ कैंसिल आउट दिस तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पार विच इज इक्वल्स टू म्यू फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया नाउ फॉर दी नेक्स्ट पार्ट दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स नाउ एक्स पार माइनस म्यू इंटू पार माइनस म्यू प्राइम विच इज़ इक्वल्स टू हमें इसको ओपन कर रही हूँ इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया वन ओवर एन सम कहाँ तक जा रहा है एन तक सैम्पल वैल्यूज हम ले रहे हैं एन तक एक्स आई माइनस म्यू इन टू इज दिस फैक्टर की वैल्यू वन ओवर एन सम आई वेरीज वन टू एन एक्स आई वैक्टर माइनस म्यू ट्रांसपोज इसको अब आप कंबाइन करके लिख लो तो वन ओवर एन इंटू वन ओवर एन हमने इसको कॉमन ले लिया वन ओवर एन स्क्वेयर सम आई वेरीज वन टू एन फर्स्ट टर्म क्या होगी एक्स आई माइनस म्यू और सेकेंड टर्म हमारे पास है एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज तो ये हमारे पास आई क्रॉस प्रोडक्ट टर्म की वैल्यू कोवेरियंस अब को वेरियंस किसके इक्वल है को वेरियंस ऑफ एक्स बार बाई डेफिनेशन को वेरियंस किसके इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज बाई डेफिनेशन हमारे पास ये है को वेरियंस की वैल्यू फर्दर अब इसे ओपन किया जैसे अभी प्रीवियस हम कर रहे हैं वन ओवर एन केयर सम आई वेरी वन टू एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आयत के लिए लिया क्योंकि सम हम ओपन किया एक्स आई माइनस म्यू इन एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज सेंस एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट अब हमारे पास वेरिएबल जो है अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो इंडिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या होती है उसकी एक्सपेक्टेशन बेसिकली जीरो के इक्वल होती है सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू एक्स आई माइनस म्यू प्राइम विच इज इक्वल टू जीरो क्यू जीरो है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो इनडिपेंडेंट की को हमारे पास जीरो के इक्वल हो रही है फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल्स टू जे यहाँ पे क्या केस है यहाँ केस है i इक्वल्स टू j और अगर i इज नॉट इक्वल्स टू j देन वॉट विल हैपन द को ऑफ एक्स बार विच इज इक्वल्स टू वन ओवर

डायरेक्ट एंटर कर दिए सो दिस इज इक्वल्स टू आपको पता है ये कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एन टाइम्स होगा देन कैंसिल आउट दिस टर्म तो हमारे पास को वेरियंस ऑफ एक्स बार किसके इक्वल हो गया सिग्मा ओवर एन के इक्वल हो गया फर्दर अब हमने क्या करना है टू कंटेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरियंट्स एस ऑफ एन सैम्पल वेरियंट्स की हमने अगर एक्सपेक्टेशन लें तो वो किसके इक्वल है वी जस्ट नोट दैट एक्स आई जे आई एथ एंड जे यूनिट माइनस एक्स पार जे एक्स आई के माइनस एक्स पार के इज द जे कॉमा के द एलिमेंट एक्स आई माइनस म्यू एक्स जे माइनस म्यू ठीक है अब हम टू यूनिट्स ले रहे हैं बिकॉज आई इज नॉट इक्वल्स टू जे यहाँ पे द मेट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग समाउस्केयर एंड द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटर्न एज तो हमने प्रीवियस समाउ स्केयर दिया था अब हमने फर्दर सम ऑफ स्केयर क्रॉस प्रोडक्ट आर्म्स देख ये हमारे पास आ गया जी दिस इज दी क्रॉस प्रोडक्ट आर्म्स इसको आप ओपन करो इसे ओपन करना हमने समरी स्टेटिस्टिक्स में देखा हुआ है इसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको देखा है कि ये ओपन कैसे हो रहा है इसमें आपके पास आम एक्स आई एक्स जे आ गया क्योंकि आई इज नॉट इक्वल्स टू जी है और नेक्स्ट हमारे पास है एन टाइम्स ऑफ एक्स बार एक्स बार ट्रांसपोज सो हे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई एक्स जे ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस म्यू म्यू ट्रांसपोज ये भी हमने समरी स्टेटिस्टिक्स में सॉल्व किया था ऑल्सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पार माइनस म्यू एक्स पार माइनस म्यू प्राइम विच इज इक्वल टू वन ओवर एन सिग्मा ये हमने अभी प्रीवियस रिजल्ट फाइंड किए नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पार एक्स पार प्राइम माइनस म्यू अब आप ये वाली वैल्यूज देखो यहाँ पे एक्स पार एक्स पार प्राइम माइनस म्यू म्यू ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू सिगमा ओवर एन अभी हमने ये प्रीवियस स्लाइड में दिया यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार एक्स बार प्राइम की हमने वैल्यू निकाली है आपके पास ये माइनस टर्म में इसको इक्वालिटी के इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव टर्म आ गई नाउ वी गेट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार एक्स बार ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू दिस इससे हमने फर्दर अप सॉल्व करना है आगे हेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई वेरीज वन टू एन एक्स आई माइनस एक्स पार सो एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज इसको हमने अभी प्रीवियस ओपन किया है और वो ओपन हमारे पास इस टर्म के इक्वल आया है नॉट टेकिंग एक्सपेक्टेशन अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन इन साइड दी ब्रैकेट अप्लाई कर लिया है इसकी वैल्यू भी हमने अभी डिटर्मिन की है और ये वैल्यू भी हमारे पास डिटर्मिन हो गई है जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस एक्सपेक्टेशन पुटेंट कर लिया पुट करने के बाद हम जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं देखो ये हमारे पास कॉन्सटेंट टर्म है और कॉन्सटेंट के साथ सम वेरी हो रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ सिग्मा प्लस एन टाइम्स ऑफ सिग्मा एन टाइम्स ऑफ म्यू म्यू प्राइम माइनस एन एन से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि फर्स्ट टर्म में कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे आपके पास सिग्मा हो गया और सेकेंड टर्म पे एन मल्टीप्लाई होगा तो फर्दर हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया एन सिग्मा माइनस सिग्मा ये किसकी वैल्यू आ गई इस फैक्टर की वैल्यू आ गई नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई वेरीज वन टू एन दिस इज दी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स अगेन विच इज इक्वल्स टू एन माइनस वन ऑफ सिगमा ठीक है यहाँ से आप इसको फर्दर सोल्व करो सिगमा कॉमन ले लिया और एन माइनस वन सिगमा आ गया सेंस द एस एन अब एस एन किसकेक्वल था सैम्पल वेरियंस विच इज इक्वल्स टू दिस इसके अंदर मैं उसकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ इसकी वैल्यूज आपने पुट कर दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस ये वैल्यू एंटर की है एंटर करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हो गया सो एन माइनस वन ओवर एन सिगमा इज़ एन अनबाइज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा प्रीवियस अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एसकेयर विच सैम्पल वेरियंस विच इज़ इक्वल टू दी पॉपुलेशन वेरियंस तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी यही चीज़ आपके पास आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल वेरियंस मल्टी केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल वेरियंस विच इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरियंस विद सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कंडीशन का होल्ड करती थी जब हमारे पास सैम्पलिंग हम विदाउट रिप्लेसमेंट लेते थे अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो उसके साथ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वही सम कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉन्सेप्ट वही है यूनिवेरिएट वाला बट मल्टीवेरिएट में हमारे पास सैम्पल वेरियंट की एक्सपेक्टेशन ले तो वो हमारे पास पॉपुलेशन वेरियंट्स के इक्वल आता है सम क्वान्टिटी उसके साथ मल्टीप्लाई होती है